मैं उसको देख रही थी तो इसी बीच में उसने वो बॉटल निकाली और अटैक किया मेरे ऊपर। वो मिरर देखती थी ना तो मुझे लगता था मैं कभी ठीक नहीं हो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद जब स्टेप बाय स्टेप मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर शाहीन ने किया, हिम्मत आ गई कि और वो जज्बा आ गया कि अब मैं ठीक हो सकती हूँ। अमर अब्दुल्ला साहब ने तो उन्होंने जो भी बिल्स हॉस्पिटल के थे वो उन्होंने अब्दुल्ला ने तब सपोर्ट किया। जी जी जी, क्योंकि नासिर असलम वानी साहब भी वहाँ पे मेरे साथ रहे थे हॉस्पिटल में, वो वहाँ आते जाते थे, वो वहाँ पे थे दिल्ली हॉस्पिटल में, तो उन्होंने सपोर्ट किया। जब भी वो जो भी बिल्स वगैरह वहाँ पे आई थी वो सारी उन्होंने पे की थी। उसके बाद भी पैसे हमारे पास सेविंग्स से वो पहले ख़त्म हो गए थे, उसके बाद हम मजबूर हो गए थे लोन लेने के लिए। सो कॉन्फ्रेंस के बगैर किसी ने सपोर्ट नहीं, नहीं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, उनके बगैर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट मेरी मम्मा ने लोन लिया है, मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ। उसने 5-6 बार मुझे कॉल भी किया था अलग अलग नंबर से, क्योंकि मैं पहले तो मैं अननोन नंबर नहीं अटेंड करती हूँ, तो जब वो लगातार किसी नंबर से कॉल करता था तो इंसान सोच ही रहा, मतलब सोचता ही है कि पता नहीं कोई अपना तो नहीं है जो ये कॉल कर रहा है। तो फिर बोला कि ऐसे मुझे आप अच्छी लगती हो, वो ये मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने आपको जॉब दिया था कि आपको खुद जॉब लग गया था? नहीं, गवर्नमेंट ने जॉब दिया था मुझे, गवर्नमेंट ने जॉब दिया था। एक तो वहाँ पे बिल्स वगैरह का किया था हॉस्पिटल में, और दूसरा मुझे जॉब भी दिया था उमर अब्दुल्ला साहब की। जी मुझे बताइए कि ये जब एसिड अटैक हुआ, आंखों में दोनों आंखों में लाइट है कि प्रॉब्लम हो गई आपको? एक आई में जो है वो उसमें विजन नहीं है, लेफ्ट आई में मेरी विजन नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। तो उसने क्या कहा इस बारे में? उसमें कुछ नहीं हो सकता है, उसका इम्पॉसिबल है, उसका विजन कुछ नहीं हो सकता। 2013 का ये मामला है जब श्रीनगर के बागात इलाके में एक एसिड अटैक पेश आया। एक लड़की के ऊपर दो लड़कों ने एसिड अटैक किया जब वो अपने घर से ट्यूशन के लिए निकल रहे थे, पेशे से टीचर थे, उनके ऊपर श्रीनगर के बागात इलाके में 2013 में एसिड अटैक हो गया। उस बच्ची के साथ क्या हुआ, कितना ट्रीटमेंट चला, कैसे उनकी लाइफ थी, क्योंकि उसके 3 दिन के बाद उनकी एंगेजमेंट थी और वो एंगेजमेंट भी टूट गई, क्योंकि जब उनके साथ ऐसा हादसा पेश हुआ उनके घर वालों के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी। अब जिस इंसान के साथ ऐसा हादसा पेश आया होगा उस बेटी के ऊपर क्या बीती होगी, कितने सपने थे उस बेटी के, हज़ारों ख्वाब उनके वालिदैन के, हज़ारों ख्वाब उस बच्ची के कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मगर उसको क्या पता था कि कोई शैतान आएगा और वो इसके साथ ऐसा एक हादसा करेगा जिससे इनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। 2013 में आपके ऊपर एक एसिड अटैक हुआ, थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ था तब, किस वजह से आप घर से निकले थे? जी मैं सुबह मॉर्निंग में निकली थी, मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी उस टाइम पे, तो मैं जब निकली तो सुबह मॉर्निंग मैं 10 बजे के करीब ये हुआ था, तो वो इंसान जो भी वो था, वो शैतान कुछ भी आप बोलिए, वो आया तो उसने वो अटैक किया। वो आपके सामने, आप उनको जानते थे, कुछ कॉन्टैक्ट था उनके बारे में? मैं मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, इनफैक्ट मेरी ये एंगेजमेंट होने वाली थी उस इंसिडेंट की 4 दिन के बाद, मतलब 4 दिन के बाद होने वाली थी एंगेजमेंट। फिर हुई? नहीं नहीं नहीं, वो एंगेजमेंट नहीं हुई, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मुझे तो खुद भी पता नहीं था कि इतना लंबा ये ट्रीटमेंट चलेगा, तो फिर हमने मना कर दिया था उस एंगेजमेंट के लिए। लेकिन 2 साल के बाद मेरे लिए ये ना रिश्ते भी आए थे, मैंने उनके लिए भी मना किया, क्योंकि फिर मुझे समझ में आया था कि ये थोड़ा, ये जो प्रोसीजर ये थोड़ा लंबा चलेगा। आपको समझ आया था? हाँ, कि मेरे साथ जो हो गया। हाँ, ये तो एक दिन का वो ट्रीटमेंट नहीं था ना, क्योंकि ये तो स्टेप बाय स्टेप ये होने वाला था ये ट्रीटमेंट, तो इसकी वजह से मुझे फिर खुद भी समझ आ गया था कि इसमें थोड़ा लंबा ही चलेगा ये। जब वो आपके पास आए अटैक करने के लिए, आपको कुछ समझ आया कि ये सब क्या हुआ? मैंने देखा नहीं किस पे सवार थे वो, तो जब मैं चल रही थी तो वो मेरे पीछे से उन्होंने बुलाया, तो जब मैंने देखा, क्योंकि
उसने 5-6 बार मुझे कॉल भी किया था अलग अलग नंबर से, क्योंकि मैं पहले तो मैं अननोन नंबर नहीं अटेंड करती हूँ, तो जब वो लगातार किसी नंबर से कॉल करता था तो इंसान सोच ही रहा, मतलब सोचता ही है कि पता नहीं कोई अपना तो नहीं है जो ये कॉल कर रहा है। तो फिर मैंने जब किया तो उस टाइम पे उसने बोला कि ऐसे मुझे आप अच्छी लगती हो, वो ये मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उन्होंने आपको बोला ये? हाँ, तो मैंने कहा मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे घर वाले जहाँ पे करेंगे मैं वहीं पे करूँगी शादी, आपसे मुझे ना तो मैं आपको जानती हूँ ना पहचानती हूँ, तो ऐसे आप मुझे कैसे कॉल कर सकते हो। तो फिर जब वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल करने लगा था तो फिर मैंने वो ब्लॉक ही कर दिए थे नंबर्स। तो उसके बाद जब ये जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उससे कुछ आई थिंक 10-15 दिन पहले ही, जब मैं स्कूल के लिए जा रही थी तो हमारे जो हमारा जो एरिया वहाँ पे बीच में एक रास्ता है, तो जो हमें थोड़ा सा ना वो शॉर्टकट का रास्ता है, तो वहाँ पे शायद ही मेरा मुझे लगता है फॉलो भी करता था। तो फिर अचानक से मेरे आगे आ गया, तो इन्होंने मुझे बुलाया तो बोला मुझे आपसे, मैंने कहा क्या बात है आप क्यों मुझे बुला रहे हो? तो उसी दिन की बात है जिस दिन अटैक जिस दिन हुआ, उस दिन नहीं उससे 15 दिन पहले की बात है ये। तो फिर उस टाइम पे मैंने इससे पूछा क्या बात है आप कौन हो, तो बोला मैं ही वो हूँ जो आपको कॉल करता था। पहले आपने कभी इनको देखा था? नहीं, उस टाइम पे मैंने देखा था। तो फिर मैंने उसको बोला कि ये गलत बात है, आप ऐसे आमने सामने क्यों आए, आप यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तो फिर वहाँ पे रास्ते में कुछ लोग चल रहे थे, तो मैंने एक दो लोगों को बुलाया वहाँ पे, तो उन्होंने उसको डांटा, तो शायद मे बी वो भी रहा हो एक उसके दिमाग में। तो 15 दिन के बाद जब मैं ट्यूशन सेंटर के लिए जा रही थी तो पीछे से आवाज़ आई, तो जब मैंने देखा उस सेकंड टाइम मैंने उसको देखा तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी और मुझे शिवरिंग हो रही थी। तो मैंने इसने मेरा हाथ पकड़ा, बोला कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आपका अगर कोई बात भी करनी है आप दो बजे में हुआ था कि अंदर वाली गली? नहीं नहीं, ये जो पुलिस स्टेशन सदर है उससे थोड़ा आगे हुआ था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको मेरे साथ बात भी करनी है आप मेरा हाथ छोड़िए, कोई बात नहीं, आप 2 बजे आना, ट्यूशन मेरा ट्यूशन सेंटर का वो जो है टाइम वो ख़त्म होता है 2 बजे, उस टाइम पे मैं आपसे बात करूँगी, कोई बात नहीं है। तो इस इंसान ने नहीं माना, तो जो वो दूसरा लड़का उसके साथ था उसने इनफैक्ट इसको रोका भी, बोला कि ये गलत बात है, आपने हाथ क्यों पकड़ा है, इसका हाथ छोड़ो। तो इसने क्या किया, उसने उस लड़के को लात मारी ऐसे चेस्ट पे, वो गिर गया। तो मैं उसको देख रही थी, तो इसी बीच में उसने वो बॉटल निकाली और अटैक किया मेरे ऊपर। आपको पता चला उसने आपका नंबर कहाँ से लाया या कभी उनके साथ मुलाकात हो, कभी आपके सामने आया? नहीं नहीं नहीं, मैंने 2 बार देखा था उसको, पता नहीं चला वो कहाँ से लाया था। उसके बाद ट्रीटमेंट कितने टाइम आपका चला, कहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ? मेरा पहले तो मैं एडमिट थी वहाँ पे SMHS में थी, 2 दिन वहाँ पे थी। तो फिर वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल में क्या किया था, वो मेरी आई का वो ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया था, लेकिन फेस पे उन्होंने मेरा कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया था। फिर मेरा ये कज़िन है वो ये ना पुलिस में है, उनके फ्रेंड है वो भी जर्नलिस्ट है, आप आई थिंक उनको जानते होंगे। तो फिर उनको फ़ोन करके उन्होंने बुलाया, तो उस टाइम पे उन्होंने वो हाईलाइट मेरा केस किया था। तो फिर उसके बाद ये डॉक्टर समीर कोल ने बात की थी, तो बोला था इसको रेफ़र करो आप अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। फिर तीसरे दिन हम वहाँ पे गए थे दिल्ली हॉस्पिटल। दिल्ली में कितने टाइम आपका इलाज चला? अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गया। 12 साल हो? जी जी जी, अभी चल रहा है। इस चीज़ के साथ जिद्दोजहद करते हो? हाँ, मैं तब से सर्वाइव कर रही हूँ मैं 12 साल। सपोर्ट किसने किया? करण सरकार तो वही थी, तो उन्होंने किया वो जो मेरे बिल्स वगैरह वहाँ पे अमर अब्दुल्ला साहब ने, तो बाद हमने खुद से किया, जो भी ट्रीटमेंट हुआ वो खुद से किया। उसके बाद ट्रीटमेंट अभी भी आपका चल रहा है, पिछले 13 साल से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस वक्त जो ट्रीटमेंट जो इलाज आपका होता है, पैसा कहाँ से कौन कोई सपोर्ट किया?
उसके बगैर नेशनल फिर लोन लिया तो उसकी वजह से मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। जो जी माली हालात कैसी थी, घर की कंडीशन तब कैसी थी? उस टाइम तो ठीक ही थी, जब ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम ठीक थी, लेकिन जब ये इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद तो आपको खुद भी पता है कि दिल्ली हॉस्पिटल में जो अपोलो हॉस्पिटल वहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। लेकिन एक चीज़ है, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे डॉक्टर शाहीन मिले, जैसे उनके जैसे मुझे डॉक्टर मिले, बेस्ट है मेरे लिए, तो वही बेस्ट है, बेस्ट डॉक्टर वही है, क्योंकि उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। मैंने तो पूरी होप छोड़ दी थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, दो साल तक नाउमीद हुए थे जब ये अटैक हुआ, नाउमीद तो थी मैं, लेकिन जब मुझे डॉक्टर शाहीन मिले तो उसके बाद अंदर से वो होप आई। कि जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया उनके साथ हुआ क्या, या उनके साथ होना क्या चाहिए था? तब तो मैंने बोला था कि जैसे अगर कोई ऐसा कोई दरिंदा ये एसिड अटैक करता है तो जो वो अटैक करता है ना उसके साथ भी वैसे ही बीच चौराहे में वैसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको भी ऐसे पता चलना चाहिए दर्द क्या होता है। इस इंसिडेंट से सिर्फ जिस पे अटैक होता है उसको वो मतलब वो ही खाली हिल नहीं जाता, उसकी पूरी फैमिली, उसके जो क्लोज रिलेटिव्स है, जो रिश्तेदार है, उन पे इफेक्ट असर पड़ता है, उस पर हिल जाते हैं। पेशे से आप टीचर थे, आज अब गवर्नमेंट टीचर है, तब शायद आप प्राइवेट टीचर थे, तो अभी लाइफ कैसी रुकैया जी, कितनी स्ट्रांग है अभी, कैसे लाइफ चल रही है अभी? स्ट्रांग तो मैं बहुत, पहले तो मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अभी मैं, इस इंसिडेंट ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है। अभी मैं किसी भी प्रॉब्लम का, ये अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसको मैं फेस कर सकती हूँ अच्छे से। आपने कहा एक वाहिद एक सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सामने आई, किसी और ने, एनजीओ यहाँ पे बहुत सारे हैं, कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आया, किसी ने नहीं बोला कि मैं हेल्प करूँ, या कोई आपके सामने आया जिसका आपको याद है? कोई भी नहीं आया, अगर कोई मदद करता है तो उसका नाम नहीं लो आप, लेकिन हमारे लिए उस टाइम पे कोई आगे नहीं आया, सिर्फ हमारी जो सरकार थी उस टाइम पे उन्होंने मेरी हेल्प की है। जी कहीं एक मामले पेश आए लड़कियों के साथ यहाँ पे, कहीं ऐसे हादसे जिन हादसों ने हमें हिला दिया, एसिड अटैक्स, कहीं एक वाकया ऐसे भी पेश आए? साथ ये इंसिडेंट हुआ था, मैंने आपसे अभी कहा कि मैंने होप छोड़ दी थी, मैं जिंदगी में कभी ठीक हो पाऊँगी, और मुझे यही लगता था कि अब बस मेरा जो ये है मुझे अंदर ही बैठना है, अब बाहर तो शायद मैं कभी निकल पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर मैं हिम्मत नहीं करती तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती। सिर्फ मैं इतना बोलना चाहती हूँ उन बहनों को जिनके साथ ये हादसे हुए हैं, जिनके साथ, कि अपनी हिम्मत मत हारो। देखिए मैं एक बात बोलूँगी, इंसान, मैं अपना बोलूँगी, मैं एक कुएं में गिर गई, कुआ बहुत गहरा था, अब उस कुएं से मुझे बाहर निकलना था, अब कोशिश मुझे भी करनी थी और किसी और की हेल्प भी लेनी थी, लेकिन उस टाइम पे मैं सोच रही थी शायद मैं इस कुएं के इस अंधेरे में गुम हो जाऊंगी। उस टाइम पे एक मसीहा मेरे आगे आया, उन्होंने मेरा हाथ थामा, उन्होंने कहा कि अगर आप कोशिश करोगी, मदद, खुद की मदद करोगी, तब जाके मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। तो वो मसीहा मेरे डॉक्टर शाहीन थे, उन्होंने उस कुएं से मुझे बाहर निकाला, जिसमें से निकलने में मुझे 12 साल निकले लगे हैं बाहर आने में। ऐसे में उन बहनों को बोल रही हूँ, अपनी जो ये उम्मीद है वो मत छोड़ो, आप स्ट्रांग रहो, आप हिम्मत रखो, अगर आप हिम्मत हारोगे तो आप कभी जीत नहीं पाओगी, ये एक लड़ाई है, वो आपको लड़नी है। 12 साल तक आप इस दर्द को लेके जी रहे हैं, रिलेटिव्स, दोस्तों, रिश्तेदारों का व्यवहार कैसे रहा आपके साथ? कुछ तो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो है, लोग तो बोलते ही रहते हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से बाहर निकालो। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है तो मेरे सामने तो कोई नहीं आया, मुझे तो कोई, मेरी मम्मा को तो कोई नहीं आया बोलने के लिए आपकी बेटी के का इलाज चल रहा है, आपको, आप
कहाँ से ये पैसे ला रहे हो, चलो हम आपकी हेल्प करेंगे। हम क्यों उनका सोचे, जब हमारा कोई नहीं सोचता तो हम क्यों सोचे उनका ना। जब ये इंसिडेंट हुआ उससे पहले मैं स्ट्रांग नहीं थी, अब मैं स्ट्रांग बन गई हूँ, अब मैं लोगों को मुंह पे जवाब देती हूँ। कुछ मलाल है जिंदगी में कुछ करने का? कोई भी मलाल नहीं है अब, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, ना कोई मलाल है। हाँ ऊपर वाला है वो तो अपनी सजा देता ही है इंसान को, अगर कोई किसी के लिए कुआं खोदता है ना वो उस कुएं में खुद गिर जाता है। क्यूज आज भी बंद है? अभी तो मैंने 2 साल पहले सुना है उसको शायद छोड़ दिया है पेरोल पे, शायद उसको ऊपर वाले ने सजा दी है। आपने बहुत ये दर्द झेला है, 12-13 साल आप इसके साथ लगे रहे, बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ खोया होगा, एक अंदर कमरे में बंद एक जगह पे खुद, एक जगह पे खुद को रखना, जिस लड़की की आंखों में हजारों सपने थे। घर से बाहर नहीं निकली, जब मुझे जॉब मिला था उसके बाद मैं धीरे धीरे करके बाहर निकली, लेकिन मेरा वहाँ पे भी मन नहीं लगता था क्योंकि कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि मैं वो जो इंसिडेंट हुआ था उसको याद नहीं करना चाहती थी कि अब मुझे लोग पूछे ये वो ऐसे बोले ये बेचारी। मुझे जो हमारे आसपास जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना वो लोग मेरी लाइफ में मुझे नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव लोग चाहिए मेरी लाइफ में, जो ये नहीं ये ना बोले कि ये बेचारी बेचारी करके। हम बेचारियाँ नहीं हैं, बेचारे आप लोग हैं, आपकी सोच है। मैं उन बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, सोशल हो जाओ। जब आप बाहर निकलोगे तभी आप में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा। के वालिदा और वालिद साहब? मेरी उस टाइम पे देखिए मेरी जो मेरे जो फादर थे उनकी एक 2011 में रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, और 2011 में वो हुआ और 13 में ये हो गया। अब आप खुद सोचिए मेरी मम्मा पे कितना असर हुआ होगा, पहले हस्बैंड का हुआ था और फिर बेटी का हुआ। ये सारी जो है ना ये मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं मम्मा ने ये लड़ाई लड़ी, ये सर्वाइव मेरी माँ ने किया है, जो सर्वाइव मैं कर रही हूँ मेरी माँ ने सर्वाइव किया है, उनसे मुझे हिम्मत मिलती है, उनसे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। क्यों आप आए और मेरे मुझसे बात की, मुझे अच्छा लगा। के ऊपर एसिड अटैक हुआ और जो दर्द लेके ये जी रहे 13 साल तक, इन्होंने इस दर्द को लेके अभी तक, हालांकि इनका इलाज चल रहा है दिल्ली के अस्पताल में, इनका मानना है, इनका कहना है कि एक ही तब जो सरकार थी वो सामने आई, उन्होंने हेल्प की और किसी ने हेल्प नहीं की। वो लड़का आया, लड़का तो नहीं कहेंगे, शैतान ही कहेंगे, किसी की ज़िंदगी ख़राब करना। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि रूद पेनेशन रबा कि एक ही साइड गलती नहीं हो सकती। ठीक है मानते हैं गलती दो साइड भी हो सकती है, मगर आपको किसने हक दिया कि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकें? आपको किसने हक दिया आप किसी की ज़िंदगी किसी की लाइफ ख़राब कर सकें? क्योंकि सोचना, देखिए लड़ाई झगड़ा रिश्ते नाते, शायद जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं शायद रिश्तों पे विश्वास करना मुश्किल होता है या किसी के ऊपर विश्वास करना मुश्किल होता है। जब ऐसे हादसे हमारे सामने आते हैं हमें ये लगता है कि हमें 10 बार सोचना चाहिए यार इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एतबार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मगर अगर लड़ाई झगड़े बैठ के मसले सुलझा सकते हैं, मगर किसी के ऊपर आप सोचिए एसिड अटैक करना, उसको पूरी ज़िंदगी लेके दर्द लेके जीना है, उसको समाज में जीना है, उसको बाहर निकलना, उस लड़की के हज़ारों सपने हैं, उसके वालिदैन के हज़ारों सपने हैं। क्या हमारी बेटियां नहीं हैं? क्या हमारी माएँ नहीं हैं? आप 2 मिनट के सोच लीजिए, अगर हमारी बहन या खुदा ना करे हमारी बेटी के साथ या खुदा ना करे हमारी माँ के साथ ऐसा होगा तब हमारा रिएक्शन क्या होगा? इस बेटी ने 13 साल तक इस दर्द को लेके ये जी रही है, लाखों का पैसा इनके ऊपर लगा और अभी भी हालांकि लग रहा है, और इनके वालिद साहब की पहले ही डेथ हो गई, उसके बाद इस बच्ची की परवरिश, इस बच्ची की देखरेख, इसका ख्याल रखना, इसको अस्पताल लेना, इसका इलाज करवाना, सब इसकी वालिदा ने किया है। हर मामले में उसके साथ वो इनकी वालिदा है। कि सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक लोग चलाते हैं, मुख्तलिफ
ऐप सोशल मीडिया आप चलाते हैं, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते आप किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, देख के कर लीजिए, इंसान को परख लीजिए, इंसान को जानिए कि खुदा ना करे आप किसी हादसे का शिकार ना हो। हमने वादी कश्मीर में शायद ये मामले थे ही नहीं, मगर उसके बाद हमने वादी कश्मीर में ऐसे ऐसे मामले देखे, रूह कांप उठी। कहीं एक एसिड अटैक्स हमारे सामने आए, इसकी हिम्मत को हमारा सलाम है, इसके जज्बे को हमारा सलाम है। इतनी हिम्मत करके सोसाइटी के साथ खुद को कम्पीट करना, इतना दर्द देख के भी ये घर से बाहर आई, इन्होंने कहा मैं कुछ करूंगी। आज ये बच्चों को पढ़ाती है, तालीम देती है, आज ये एक टीचर है, मगर हिम्मत जज्बा उसी डेडिकेशन के साथ बाहर निकली। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हिम्मत दे सकते, कम से कम सपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसी कई एक बेटियां हैं, उनको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आप समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं है।